गाइस सभी का स्वागत करते हैं विक्रम करियर चैनल पे। तो आज हम लोग लेके आए हैं जबरदस्त मोटिवेशनल शायरी के साथ, और आज का शायरी उन सभी स्टूडेंट को डेडिकेट करते हैं जो अपने जीवन में हार हताश निराश हो गए। तो शुरू करते हैं आज का पहला शायरी, और ध्यान पूर्वक सुनिएगा क्योंकि हर शायरी सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। तो पहला शायरी है इस प्रकार, ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं जो आपको हरा दे, ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं जो आपको हरा दे, ये तो आप हैं जो हार मान लेते हैं। लक्ष्य किसी के बाप की जागीर नहीं, अगर जीतना है तो क्यों नहीं ठान लेते हैं। नींद चैन को त्यागो तुम, करना होगा मेहनत का जाप, लक्ष्य ही पाना धर्म हो अपना, बाकी कुछ भी करना होगा पाप। तो एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, ये शायरी और ये सभी शायरी जितना भी आज मैं बोलूंगा आप सभी को डेडिकेट में करना चाहूंगा, और हर शायरी को एक बार घुमा के फिरा करके देखना है ताकि आपके दिल तक आपके दिमाग तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं फिर से, ऐसा कोई पैदा हुआ नहीं जो आपको हरा दे, ये तो आप हैं जो हार मान लेते हैं। लक्ष्य किसी के बाप की जागीर नहीं, अगर जीतना है तो क्यों नहीं ठान लेते हैं। नींद चैन को त्यागो तुम, करना होगा मेहनत का जाप, लक्ष्य अपना धर्म समझे, बाकी कुछ भी करना होगा पाप। तो पहला शायरी कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और कमेंट करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि शायरी आपके दिल तक आपके दिमाग तक ले जाने तक के लिए बना है। बढ़ते हैं दूसरे शायरी की ओर, कैसे हो गए हैं आज बच्चे, कैसे हो गए हैं आज बच्चे, कहाँ रह गए हैं सच्चे, कैसे हो गए हैं बच्चे, कहाँ रह गए हैं सच्चे, झूठ बोलना जैसे आदत हो गई है, नहीं रह गए हैं कच्चे। अच्छी आदतों को छोड़कर गलत चीजों का हो गया है आदि, अच्छी आदतों को छोड़कर गलत चीजों का हो गया है आदि, कैसे समझाएं उसे, बड़े हो जाने पर होगी बर्बादी। तो दूसरा शायरी आप लोगों को कैसा लगा, हर एक शायरी सिर्फ आपको ध्यान में रख करके आपके लिए बनाते हैं, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और अगर थोड़ा सा अगर शायरी अच्छा लगे तो दोस्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से दूसरा शायरी, कैसे हो गए हैं बच्चे, कहाँ रह गए हैं सच्चे, झूठ बोलना जैसे आदत हो गई है, नहीं रह गए हैं कच्चे। अच्छी आदतों को छोड़कर गलत चीजों का हो गया है आदि, कैसे समझाएं उसे, बड़े हो जाने पर हो जाएगा बर्बाद। बढ़ते हैं तीसरे शायरी की ओर, रास्ते में लाख मुश्किलें आए, रास्ते में लाख मुश्किलें आए, बट आप घबराना नहीं, थोड़ी थोड़ी परेशानी आते रहेंगी, बट आप रुक जाना नहीं, मंजिल तो आगे मिलेंगी पर डर के कारण पीछे जाना नहीं, आप और मैं मिलकर काम करेंगे, बिना लक्ष्य पाए सोच जाना नहीं। ये शायरी में उन सभी स्टूडेंट को जगाना चाहता हूँ जो सोए हुए हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ नहीं रहे हैं, छोटी छोटी बात से निराश हताश हो गए हैं, मैं उन सभी के लिए ये तीसरा शायरी डेडिकेट करता हूँ। एक बार फिर से दहलाने के लिए, आपके दिमाग तक ले जाने के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, रास्ते में लाख मुश्किलें आए बट आप घबराना नहीं, थोड़ी थोड़ी परेशानी आते रहेंगी पर आप रुक जाना नहीं, मंजिल तो आगे मिलेंगी पर आप डर के कारण पीछे जाना नहीं, आप और मैं मिलकर काम करेंगे, बिना लक्ष्य पाए सो जाना नहीं। और बढ़ते आज का अंतिम शायरी की ओर, आगे प्रॉब्लम पीछे प्रॉब्लम, आगे प्रॉब्लम पीछे प्रॉब्लम, बीच में है भगवान जो हमेशा देते हैं ध्यान, आगे प्रॉब्लम पीछे प्रॉब्लम, बीच में है भगवान जो देते हैं ध्यान, लाइफ में कितना भी आए शैतान मत घबराए इंसान, प्रॉब्लम छोटा हो या बड़ा हर चीज को होगा समझना आसान, हर चीज का होगा समाधान, हार के बाद जीत है और जीत के बाद लौटेगा सम्मान। एक बार फिर से, क्योंकि हर शायरी सिर्फ आपके दिमाग तक ले जाने के लिए बोलते हैं, तो एक बार फिर से पांचवा चौथा शायरी हो जाए, आगे प्रॉब्लम पीछे प्रॉब्लम, बीच में है भगवान जो देते हैं ध्यान, लाइफ में कितना भी आए शैतान मत घबराए इंसान, प्रॉब्लम छोटा हो या बड़ा हर चीज का होगा समाधान, हार के बाद जीत ही मिलती है और जीत के बाद लौटेगा सम्मान। तो आज का शायरी कौन सा अच्छा लगा, और लगा भी या नहीं लगा, आपके दिल तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, आप लोग कमेंट करके बताइए, और अगर अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए, अगला संडे को फिर से एकदम जोश जुनून के साथ फिर से शायरी बोलेंगे ताकि आप अपने जीवन में एकदम अच्छा कर पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।